हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी पावर पॉइंट की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों बता दूं कि यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का वीडियो का भाग नंबर 14 है, यानी 14वां पार्ट है, ठीक है ना। तो 14 नंबर भाग 14 बनाए जा रहे हैं 14, और इस वीडियो में हम फिर से आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली हुआ क्या था, जब इसकी एक प्रोजेक्शन की हमने फर्स्ट एंगल में बनाना सिखाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको लेफ्ट से देखकर राइट में बनाना सिखाया था, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन इस टाइप का भी होते हैं कि हम राइट से देखकर लेफ्ट में भी बनता है। हमने बताया था ना कि लुक एंड ड्रा अपोजिट नियम का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पालन करता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपके थर्ड एंगल में बनाकर दिया गया है यहाँ पर, लेकिन मैं इसी चीज़ को आपको फर्स्ट एंगल में बनाकर सिखाऊंगा। अभी बेसिकली मैं छोटा क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको हल करने में, सॉल्व करने में और बनाने में आसानी हो। फिर इस टाइप के यानी बड़े बड़े भयंकर क्वेश्चन करना आप इस तरह से देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। अभी बेसिकली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब छोटा वाला नहीं आएगा तो बड़ा वाला कहाँ से आएगा। तो बेसिकली हम क्वेश्चन यही सिलेक्ट किए हैं और इसी के बारे में आपको बताएंगे। और मैं बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो, चाहे उस पर प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लगाओ चाहे कुछ करो, लेकिन वो रेड वाली बटन क्लिक हो जानी चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी मिल पाएगी, यानी नोटिफिकेशन वगैरह मिल पाएंगे। सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन करना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, लाइक भी मारो यार, लाइक मारोगे तभी तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगी, हमें पता चलेगा यार पसंद आया सभी को, तो लाइक करो ना, तो तभी नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द लाएंगे। हाँ भाई पसंद आई हो तो लाना चाहिए, नहीं तो भाई थर्ड सेमेस्टर वालों को पढ़ाने में लगता हूँ, तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को करने वाला हूँ फर्स्ट एंगल में। तो चलिएगा बेसिकली आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और कोई डाउट्स या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, कुछ लोग ये भी पूछते रहते हैं भाई ये वीडियो किस किस मतलब कि हम दूसरे स्टेट के हैं, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार, उत्तर प्रदेश ही नहीं कहीं के भी हो आप, इंजीनियरिंग ड्राइंग है आप में ना, तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस सब एक ही होता है। नहीं विश्वास होता मैं बुक में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया अन्य राज्यों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ, अन्य राज्यों मध्य प्रदेश राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन रूरल टेक्नोलॉजी, यानी कहीं के भी हो और इतनी सारी ब्रांचेज में से कोई भी हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस चलिए यहाँ का अब आपको हम क्वेश्चन ये कराते हैं, तो अभी इसको क्वेश्चन को दूर रखते हैं, अभी सबसे पहले हम जो हम खींचते हैं फर्स्ट एंगल की कंडीशन उसको खींच लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने लेआउट खींच रखा है, लेआउट कैसे खींचते हैं जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये देखिए हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट है, तो लेफ्ट से यहाँ से इस वाले ड्राइंग शीट के 20 mm छोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना छोड़ते हैं, यहाँ पे ये जो इसके बीच की दूरी है, ये बेसिकली इसके बीच की दूरी है ये 20, यहाँ पर पेन हमारी नहीं दौड़ रही है, 20 mm बेसिकली हम यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है ना, 20 mm यहाँ से, और ये ऊपर 5 mm करते हैं, ठीक है ना, ये 5 mm की दूरियाँ होती हैं, और इस साइड में भी हम 5 mm का करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं सिर्फ 5 mm, और इधर देख सकते हैं ये जो पीछे है ना यहाँ भी हम 5 mm का, यानी सभी तरफ 5 mm और इधर से 20 mm, इतना कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको पता है कि हमें क्या करना है, कि एक हमें खींच लेना है, कि एक हमें खींच लेना है XY लाइन। तो चलिएगा मैं यहाँ पर XY लाइन ही खींच लेता हूँ, इस तरह से एक लाइन हमने ये खींच ली, और एक लाइन देखिए यहाँ पर ये वाली खींच लेता हूँ इस तरह से, तो ये हमारी लाइन X हो गई, ये Y हो गई, ये हमारी X1 हो गई, ये हमारी Y1 हो गई, इस तरह से हमने लाइन खींच लिया, सब कुछ खींच लिया। अब देखिए फर्स्ट एंगल बनाना है ना, तो फर्स्ट एंगल लिखते नहीं है हमें, ये लिखते हैं सिर्फ VP अपान में SP, इससे पता चल जाता है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी पता करते हैं। सेकंड में क्या होता है, सेकंड एंगल में बनता ही नहीं, लेकिन अगर ये वाला चिन्ह लिखना चाहे तो लाइन के ऊपर होता है, फोर्थ में भी नहीं बनता, वो लाइन के नीचे होता है, थर्ड एंगल में इसका उल्टा हो जाता है, SP ऊपर VP नीचे हो जाता है, ठीक। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर देखो यार, इसको बनाने से पहले ना आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर मेरा ये जो मैंने टेपिंग कर रखी है ये मेरा निकल जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको अभी अच्छे से इसको लगा देता हूँ यहाँ पर टेप को, और सेलो टेप है बेसिकली। और यहाँ पर देखो मैं बता दूँ कि लेफ्ट से देखेंगे राइट, तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हम साइड व्यू देखते हैं, सब कुछ तो हमने देख लिया, ये फ्रंट व्यू है, ये ऊपर से टॉप व्यू है, ये इधर से साइड व्यू है, लेकिन हम साइड व्यू देखते हैं कि साइड व्यू हमारा किस तरफ से चल रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें देखिए साइड व्यू हमने इधर से देखा, ये हमारा राइट हैंड है, तो हमने राइट से देखा और हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट में बनेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हमें यहाँ पर रख के बनाना है कि यहाँ पर रख कर बनाना है। तो देखिए बेसिकली होगा क्या कि हम देखिए यहाँ से देखे हैं, हमने राइट से देखा तो लेफ्ट बनेगा, तो लेफ्ट हमारा यहाँ रहा ना, यानी फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा, और यहाँ से लाइन होती हुई यहाँ पर हमारा साइड व्यू बनाएगा। तो बेसिकली चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम फ्रंट से देखेंगे तो क्या क्या हमें दिखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज़ दिखेगी,
ये जो देख रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे यार सीखो। एक बार में वीडियो ना समझना, दोबारा प्ले करके देखना, 100% गारंटी आपको समझ में जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, फ्रंट व्यू एक यहाँ से देखने को आ रहा है, तो जब देखोगे तो क्या दिखेगा, इस तरह से देख भी सकते हैं। तो हमें ये बॉक्स दिखेगा, फिर साथ में ए वाला जो पार्ट है इसी के सेंटर में मिला हुआ, तो इस तरह से एक खंभे टाइप का, सिर्फ हमें ऊर्ध्वाधर टाइप का ये चीज़ें दिखेंगी, सिर्फ ये दो पार्ट्स, और हमें बेसिकली कुछ नहीं दिखेगा, बस इतना हमें दिखेगा। और ये तो हमारा एक चौकोर टाइप का पार्ट दिखेगा, ठीक ना, बस इतनी चीज़ें हमको दिखेंगी। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इतनी चीज़ें के हिसाब से हम यहाँ पर बना लेंगे फ्रंट व्यू। तो चलिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रखूँगा साइड में, यहाँ पे हम रखता हूँ साइड में, हालांकि ये थोड़ा दूसरे टाइप का, मतलब दूसरे तरफ चित्र है तो बनाना मुझे यही है, इसलिए मैं इसको साइड में रखकर बनाता हूँ, फिर आपको यहाँ पर कंपेरिजन करके दिखा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हर बुक में यहाँ पर होता था तो अच्छे से दिखा देता था मैं। तो चलिएगा, यहाँ पर जो जो हमें दिख रहा था मैं उसको पहले सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, और मैं स्केच यूज़ करूँगा स्केच, लेकिन आपको यूज़ करनी है इसको बनाने के लिए HB पेंसिल, ठीक है ना, HB पेंसिल आपको यूज़ करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, तो सबसे पहला जो हमारा कितना है यहाँ पर, कितने का हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पर देखिए 60 का दिख रहा है हमें 60, और इसकी ऊंचाई कितनी है 15 का, 60 बाई 15 का हमें ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम 60 का खींचेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं इसी लाइन पर खींचेंगे, ठीक है ना, 60 बाई 15 का। तो बेसिकली देखिएगा, मैं स्केच की हेल्प से करूँगा, तो चलिएगा ये देखिए यहाँ पर 60 बाई 15 हमने कहा ना, तो देखिए हम 60 का सबसे पहले खींचेंगे, तो देखो 60 का भाई खींचेंगे तो यहाँ हमारा 0 है, और यहाँ से देखिए जाएंगे हम 6 तक, बेसिकली हमारा 60 का ये खींचा जा चुका है, 60 बाई 15 हमने कहा है, तो 15 हमारा इस तरह से होगा। तो देख सकते हैं मैं 15 यहाँ से भी खींच लेता हूँ, मैं 15 यहाँ से भी खींच लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का, और फिर इधर भी हमारा 15 हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से खींच लेते हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पूरा बंद टाइप का हमें दिख रहा था, तो हम 15 का यहाँ भी खींच लेते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यार यही आपको दिखेगा, यही आपको 15, हालांकि हो सकता है मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको पूरे तरीके से 15, यहाँ पर 60 और यहाँ पर देखिए 60 बाई 15 का बन चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 35 की दिखाई गई, 35 mm की, तो 35 यहाँ समय ये भी दिखेगा, ये भी 35, बस यही बेसिकली हमें दिखेगा, इसी के ऊपर बनाना है। लेकिन कैसे बनाना है, यहाँ से 10 mm छोड़कर, देखते हैं यहाँ 10 mm कहाँ छोड़ने को, तो 10 mm इधर छोड़कर, 10 mm इधर छोड़कर, फिर हम बना लेंगे दो खंभे जो कि 35 mm के होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से हम बेसिकली 10 mm छोड़ देते हैं, 10 mm छोड़ देंगे तो यार बेसिकली हमारा इतना बचेगा, और खंभे की मोटाई कितनी है वो भी देख लीजिए गाइस, खंभे की जो मोटाई है वो कितनी है, 10 खंभे की मोटाई भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 हमने छोड़ दिया है, और इसके बाद हमारा जो खंभा है वो कितने का है, मैं वहाँ पर भी एक टिक लगा लेता हूँ इस तरीके का, और यहाँ पर देख, यहाँ पर भी हम खींच लेते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे हम 10 का छोड़ लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से खींच लिए। अब यहाँ से देखिए हम कितना उठाएंगे, 15 का उठाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम 35 ऊपर ले जाएंगे, तो बेसिकली देख सकते हैं 35 मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके के 35 हमारे हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली हमारे हो जाते हैं 35 ए। फिर इस तरीके से देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी मुझे 35 बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर भी 35 कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 35 कर लेता हूँ, और चलिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरह से हम मैच कर मिला लेते हैं। तो बेसिकली इतना बन चुका है, तो इतने चीज़ें देखिए जो हमारी बनी ना, इसको हम अभी क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या बना, फ्रंट व्यू बना, हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बन चुका है, तो हम लिख देते हैं अभी इसकी डायमेंशन भी दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और ये जो चीज़ें मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ ना, आपको स्केल नहीं यूज़ करनी है दोस्तों, आपको MD यूज़ करनी है, जिसे बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ। जब आप 2-4 बार इसे बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसी स्केल का यूज़ कर लेंगे, लेकिन EMD करेंगे तो ये और शुद्ध बनता है, ठीक है ना। तो इसके बाद बेसिकली फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू क्या बनेगा, इसके नीचे बनेगा। तो करना क्या पड़ता है, इसके नीचे सीधे सीधे रेखाएं खींचनी है, जहाँ जहाँ कट पार्ट है। तो देख सकते हैं इससे मैं जाते हुए रेखा खींच ले रहा हूँ इस तरीके की, इस तरह से जाते हुए काटी रेखा मैं खींच ले रहा हूँ, और यहाँ पर भी देख सकते हैं मैं कटी हुई रेखा ही खींच रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मैं रेखा खींच रहा हूँ, जहाँ जहाँ कट पार्ट किया है वहाँ वहाँ से बेसिकली हम रेखा सिर्फ खींच लेते हैं, ताकि हमें अभी बनाने में आसानी हो। अभी देखिएगा मैं कैसे बनाता हूँ, बस इस तरह से सभी रेखाएं खींच लेते हैं नीचे, और ये रेखाएं बहुत हल्की खींचते हैं, देख सकते हैं पेन से मैं खींच रहा हूँ, कहीं कहीं मेरी दिख भी नहीं रही हैं, लेकिन
लेकिन आपको यहाँ पर बहुत हल्की खींचनी है पेंसिल से, जो कि सब आपको दिख सके। अब मेरे पास DSLR तो है नहीं भैया कि एकदम अच्छे से पेंसिल से खींचूँ और यहाँ पर दिखाई देगा, मैं मोबाइल से ही सब काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप लोग किस प्यार और सपोर्ट रहे तो किसी दिन DSLR भी आ जाएंगे तो और अच्छी क्वालिटी मिलेगी वीडियोज़ की। तो देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको चलना है टॉप व्यू पर, ठीक है। आपको चलना है यहाँ पर, क्या करना है आपको यहाँ पर टॉप व्यू पर चलना है, तो आपका बेसिकली ये दिखेगा कितना, ठीक है, ये आपको बेसिकली दिखेगा कितना ऊपर से। तो सबसे पहले आपको ये जो 60 है और यहाँ पर देखिए 80 है, 60x80 का एक हमें बॉक्स दिखेगा, ठीक है ना, 60x80 का एक बॉक्स दिखेगा। तो चलिएगा मैं 60x8, देखिए ये 60 तो हमारा बेसिकली है, तो 80 तक मुझे जाना है। अब यहाँ पर कितनी दूरी, यहाँ पर हम कुछ मान कर दूरियाँ सिर्फ छोड़ देते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने से मान करके लगभग छोड़ देते हैं। तो देखिएगा मैं इतना छोड़ देता हूँ, यहाँ से इतना सिर्फ छोड़ देता हूँ काम भर का, बस इतना बेसिकली हम छोड़ देते हैं। देख सकते हैं हमारा 6 पर है, तो बस यहाँ से इस तरह से हो गई हमारी यहाँ पर। इसके बाद क्या हमने कहा, हमने कहा कि 80 नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 80 दिखाया था, तो 80 हम नीचे जाएंगे तो बेसिकली हमारा यहाँ पर आ जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेसिकली आ जा रहा है। और इधर भी हम माप लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मैनेज करेंगे अभी। तो यहाँ पर 80 हो जा रहा है बेसिकली, और यहाँ से यहाँ तक माप लेते हैं दूरियाँ, जी हाँ, तो देखिए हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, इस तरह से हमारा 80 है, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो हो रहा था इसको हम पूरा मिला लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और यहाँ पे इस तरीके से। तो देख सकते हैं भाई मेरा बिल्कुल बन चुका है, ये 60 ये है और 80 ये पूरा रहा, 60 ये रहा 80 ये रहा। इसके बाद आपको क्या दिख रहे हैं, इसके बाद आपको दिख रहे हैं जो कट वाले पार्ट ना ये दिखेंगे, लेकिन आप ये मत सोचिए कि उभरा हुआ है तो ऐसे दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर ये नहीं करने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या सोचने हैं, अपने दिमाग में सोचने हैं, क्या सोचने हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ना ये उठकर ऊपर किसी तरीके से चला है, तो ऊपर इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं, आएगा तो नहीं, सिर्फ कम इमेजिन करेंगे, या इसको कहिए कि नीचे चला जाए और ये कट, तो हमें बेसिकली क्या है ये सब कट पार्ट दिखेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। तो देख सकते हैं हम सिर्फ डायमेंशनल पढ़ेंगे कितनी कितनी पर है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने 10 का छोड़ा था, वो तो 10 हमारी पड़ी हुई है, 10 हमारी पड़ी हुई है, वो सब नहीं है, ये जो हमारी दो लाइनें आई हैं इन्हीं में बने देगा, हमें पता है ऑलरेडी। और हाँ एक लाइन हमने अभी नहीं खींची, मैं उसको फिर से खींच लेता हूँ, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन हमने छोड़ दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैं लाइन यहाँ फिर से खींच लेता हूँ इस तरीके से। तो देख सकते हैं हमें ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन तो हमें पता है, लेकिन सिर्फ हमें इसमें कट करने हैं। तो देखना सबसे पहले क्या क्या करने हैं, यहाँ पर इस तरीके का आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइनें जो खींची गई इससे आपको घबराना नहीं है, इतनी हल्की पेंसिल से करते हैं ना कि सिर्फ पता चले कि सिर्फ अपने काम के लिए करते हैं, ठीक है ना, बेसिकली बस उसी लिए करते हैं क्योंकि सीधा सीधा आ जाए। तो देखेंगे अब इसके बाद क्या करना है, हमें सभी तरफ 10 mm छोड़ने हैं, तो इधर भी 10 mm छोड़ने हैं, फिर यहाँ से 10 mm छोड़ करके, यानी जो हमारी ए वाली पार्ट है यहाँ से 10 mm छोड़ कर इस वाले में करना क्या बेसिकली कि हमें इसको 20, 20, 40 और 20, 23, 60, तो 60 में हमको इसको कन्वर्ट कर लेने हैं और सबको 20-20 में बांट देने हैं, देख सकते हैं 20-20-20 में, तो हमें 60 तक सिर्फ जाना है, तो 10 ऊपर से छोड़ करके। तो देखिएगा बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली, तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या कहा, 10 छोड़ना पड़ेगा, तो 10 हमने ये छोड़ दिया, फिर नीचे से भी 10 छोड़ना पड़ेगा, तो हमने ये छोड़ दिया नीचे से। तो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा यहाँ पर, और इस तरीके से जब इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे, इसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे हम यहाँ पर, तो देखिए क्या आया है। इसके बाद ये चीज़ें हमें इतनी दिखेंगी, फिर इसके बाद इसी के पैरेलल में तो हमें दूसरा भी तो दिखेगा, क्योंकि दोनों की हाइट तो समान है, दोनों की हाइट वाली हाइट तो हमने ऊपर बना ली, लेकिन जो दोनों की ये जो डायमेंशन है दोनों समान है, तो बेसिकली दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल एक ही जैसे दिखेंगी। तो चलिएगा मैं इसको भी मिला लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ बेसिकली मैं यहाँ पर इसको मिला लेता हूँ, देख सकते हैं आप इस तरीके का आपको देखने को दिखेगा। फिर इसके बाद आपको हमने क्या कहा, हमने कहा कि 20-20 पर कट करने पड़ेंगे आपको, तो देख सकते हैं 20 mm ये रहा, 20 mm ये रहा, ये आपको कट करने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ इसके लिए भी और इसके लिए भी, और साथ में मैं यहाँ भी कट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी तो दिखाने होंगे हमें यहाँ पर, बस बिल्कुल आपका बजट, ये जो हल्की लाइन थोड़ी दिख रही है ना, ये दिखेगी नहीं जब आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपका फ्रंट व्यू था, और ये आपका कौन सा व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू बनकर आपका तैयार हो गया, आपका फ्रंट व्यू बनकर तैयार। अभी हमने यहाँ पर दूरियाँ नहीं लिखी कितने कितने का है, बस आपको दिखाने के लिए ऐसा किया गया है।
ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहाँ से जितनी भी रेखाएं सीधी जा रही हैं सबको खींच लेना पड़ेगा। तो देखिएगा बेसिकली कितनी रेखाएं जा रही हैं, मैं सबको खींच लेता हूँ। तो यहाँ से पूरा खींचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने खींच लिया, एक ये जा रही थी और एक बेसिकली हमारी ये जा रही है, ये जा रही है, और इसके बाद एक तो नीचे से जा ही रही है। तो बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाली से जितनी रेखाएं जाएंगी सिर्फ इस लाइन तक लाएंगे, सिर्फ इसी लाइन तक लाते हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है अगर आपने इसकी पहली वीडियो देखी होगी। तो यहाँ से ये मिला लेंगे, फिर देखिए यहाँ से जा रही थी तो एक यहाँ से भी मिला लेंगे, फिर देख सकते हैं यहाँ से कट करती हुई जा रही तो एक यहाँ से भी मिला लेंगे भाई, फिर एक यहाँ से देखी जा रही है तो यहाँ से बिल्कुल भी मिला लेते हैं, फिर देख सकते हैं यहाँ से एक जा रही है तो एक यहाँ से भी मिला लेते हैं, फिर देख सकते हैं एक नीचे से पूरा वाला जा रहा है तो एक यहाँ से भी मिला लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारी लाइन यहाँ से जा रही हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसके बाद आपको उठाने एक गोले प्रकार, एक गोला प्रकार बोलते हैं इसे, तो इसके क्या करना है, एक क्यों आपको इस नोक पे रखना है, इस नोक पे रखना है और इसको घुमाकर सिर्फ इस लाइन तक लाना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ ताकि आपको फिर समझ में आ जाए किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके का, इस तरीके का सिर्फ करते हैं इस रेखा तक के लिए। फिर इसी केंद्र पर रख के दूरी हम अपनी बढ़ा लेंगे और अपने इस रेखा पर रख करके इस तरह देखिए घुमाते हैं, इस तरह से देख सकते हैं घुमा लेते हैं यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा चला नहीं है पेंसिल, कोई बात नहीं, इस तरीके से कर लेते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ाते हैं और हम ले चलते हैं इसके ये वाली हाइट की तरफ। फिर इसके बाद आपको बेसिकली क्या करना क्या होता है, इस तरह से बढ़ाना होता है, इस तरह से यहाँ पर कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा सी और हाइट बढ़ाते हैं, इसके बाद हम करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिएगा मैं कर लेता हूँ इस तरीके से, मेरा चल रहा है इस तरीके का। तो देख सकते हैं सिर्फ यहीं तक ले जाना पड़ता है। इससे करने से ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट आता है। आप EMD की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से मिलाती हुई एक 45 डिग्री पर एक रेखा खींचिए, फिर इस रेखा को इस यहाँ तक सीधे तक उस 45 रेखा को कट कीजिए, फिर सीधे ऊपर ले जाइए तो भी आपका बनेगा। लेकिन EMD से थोड़ा गलत हो जाता है, इसलिए मैं EMD का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे इस टेबल पर जिस पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस पर EMD फिट भी नहीं हो पाती है, जैसा कि आपको पता है पहले से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो रही भाई। लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो जल्दी ये सब बदल जाएंगे और ED भी आपको अच्छी क्वालिटी वीडियो में मिलेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर खींच लेने हैं, तो बस यहाँ तक खींचने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है बेसिकली सा, इसके बाद आपको क्या करना है, इस सभी रेखाओं को ऊपर की तरफ खींच लेने हैं, इन सभी रेखाओं को क्या करने हैं ऊपर की तरफ खींच लेने हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, हालाँकि देख सकते हैं मेरा सेलो टेप निकल जा रहा है क्योंकि ये जो वीडियो शूट है जो बगल में साइड में दिख रहा है ये इसका टेबल का पोशाक है सब कह लीजिए, क्योंकि इसको भाई ढकने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो बस बेसिकली से इसको क्या करेंगे हम ऊपर की तरफ करते हैं, तो बस इस तरह देख सकते हैं मैं ऊपर की तरफ इसको कर रहा हूँ, हल्की पेंसिल से करते हैं, लेकिन यहाँ मैं पेन से कर रहा हूँ इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पेंसिल से करेंगे सब एक भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो बस देखिए बेसिकली सिर्फ क्योंकि साइड व्यू बनाने के लिए हमको कुछ की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक बनता है, सिर्फ हमें कोई दूरियाँ मतलब कोई चीज़ नहीं दिख रही होती है और डॉट फॉर्म में दिखाने होते हैं इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो बेसिकली इस तरह से है, लेकिन आपको कैसा दिखेगा उसको समझिएगा। तो देखिएगा इसकी जो साइज है ना, यहाँ पर देखिएगा जो हम साइड से देखेंगे तो हमें देखिए 15 है, यहाँ से 15 दिख रहा तो ये भी 15 ही दिखेगा, लेकिन साइज कितनी होगी 80 होगी। तो देखिए हमने यहाँ से 80, ये जो 80 था इसको हम यहाँ ले आए हैं, तो देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा आपका पूरा 80 दिख रहा है कि नहीं हमें बताइएगा यहाँ पर। ये देखिए ये इस तरीके से, और ये रहा यहाँ पर, ये बेसिकली सा रहा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे इतना चीज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको इतना चीज़ दिख रहा है, देख सकते हैं 80 का हमारा बन चुका है। इसके बाद गाइस, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है उसको देखिए समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारा है कि 10-10 छोड़ देने हैं, यानी ये वाला दोनों दो खाने आए हैं इसको छोड़ देने हैं। इसको छोड़ने के बाद इस 35 से हमको यहाँ पर मिला लेने हैं इस 20 के साथ। तो बेसिकली देखिए हम यहाँ से छोड़ देंगे तो यहाँ से हमें देखिए मैच करने हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से सिर्फ मैच करने हैं, एक यहाँ पर और एक देखिए हमें यहाँ से करने हैं मैच, एक हमें मैच कर लेने हैं एक यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम
इस तरीके का कर देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से मैच करते हैं, बस बिल्कुल आपका बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके पर, लेकिन ये थर्ड एंगल में है और जो मैं यहाँ दिखाया हूँ फर्स्ट एंगल में बना है। और देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने लेफ्ट से देखा था तो राइट साइड में, मतलब राइट से हमने देखा तो लेफ्ट साइड में मिले, तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू हम लिखेंगे, और जिस तरफ से बनेगा बस हमने लिख दिया। और इधर साइड व्यू है, आपको पता ही है सब कुछ लिख दिया गया है, सब कुछ बन चुका है, बस आपको डायमेंशनल दिखानी है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए मैं डायमेंशनल भी दिखा देता हूँ। डायमेंशनल कैसे दिखाएंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि किस तरह से डायमेंशनल दिखाएंगे, तो यहाँ जो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से खींचते हैं और यहाँ पर लिखेंगे ये 60 का है, ये बेसिकली आपका कितने का है, 60 का है, यहाँ पर टोटल हमारा 60 का है। फिर ये देखिए बेसिकली हमारा कितने का है, ये 15 का है, तो इस तरह से दिखाते हैं यहाँ पर, इस तरीके से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कहते हैं। फिर इसके बाद 15 का ये हो गया, फिर टोटल ये कितने का था, ये पूरा हमारा देखिए 35 का था ना, तो 35 यहाँ लिखेंगे और इस तरह से हम करेंगे इस तरह से, तो हमने इधर 35 दिखा दिया था जो हमारी साइज थी। इसके बाद जो भी साइज है सबको हम दिखाएंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर इसके बाद देखिएगा हम यहाँ पर जो साइज है उसको भी हम दिखाते हैं पहले, और यहाँ पर भी जो साइज है इसको हम सबसे पहले दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर जो साइड है इस एक तरह का और एक यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का दिखा देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो बेसिकली हमारा था कितने का, 10 का था यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर जो था हमारा इसके बीच में 20 का था, इस तरह से हम दिखाएंगे यहाँ बेसिकली। फिर इसके बीच यहाँ पे हमारा 20 का था, तो हम 20 का ही दिखाएंगे इस तरीके का। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इस तरीके था, यहाँ 20 था, तो इस तरह से हम 20 दिखाएंगे और यहाँ पर भी हम 20 दिखाएंगे, साथ में हम यहाँ पर 10 दिखाएंगे, फिर यहाँ पे 10 दिखाएंगे, ठीक है ना। इतनी बेसिकली इसके लिए पढ़ ली, इतना इससे पता चलेगा कि ये सब उठाकर फिर से हम ये बना सकते हैं, ठीक है ना, ये बना सकते हैं, ये वाली जो हमारी मेन ड्राइंग थी। तो यहाँ पर ये जो हम सीखेंगे, तो इतनी हमने दूर, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी दूरियाँ दर्शा दी हैं, यहाँ पर 60 दिखा दिया और इधर देखिए जिस पार्ट पे कटा था उसको कट करके उतना उतने पे हमने दिखा दिया है। फिर साथ में हमने यहाँ 15 देखे था तो ये दिखाया, फिर इधर 35 था, इधर देखिए ऊपर हमने 10 छोड़ा था यहाँ से यहाँ तक, तो 10 दिखा दिया, फिर ये भी 10 था, फिर इधर भी 10 लेकिन हमारा यहाँ 60 था, तो यह सब जोड़ेंगे 40 होगा, तो 20 में 20 उसका भी दिखा दिया हमने। फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ 10 की दिखाई यहाँ पर था, फिर 20 का ये सब कटे हैं, तो 20 और ये 10 80 टोटल हो जाएंगे। इधर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाना चाहते तो दिखा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना कि इसी से सब गया है, और इसकी मदद से आप जो यहाँ पर देख सकते हैं जो फिगर था, ये ड्राइंग थी, आपकी फिगर नहीं बोलेंगे इसको, ड्राइंग बोलेंगे, इसकी मदद से ये बनाया और इसकी मदद से पुनः हम ये बना सकते हैं। इसीलिए ये जो दूरियाँ ये लिखी जाती हैं और यहाँ पर फर्स्ट एंगल, और हाँ एक चीज़ यहाँ पर लिखते हैं नोट करके, नोट करके लिखते हैं, उसको भूलिएगा नहीं। यहाँ पे बेसिकली जो नोट में लिखते हैं दोस्तों वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, तो इसमें क्या आप लिखेंगे, नोट लिखेंगे आल डायमेंशनल, डायमेंशनल डायमेंशनल आर इन यम यम, ये बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि इसी से लिखेंगे, क्योंकि सभी जो दी गई थी डायमेंशन सब कुछ mm में दिया गया, तभी आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो बस इस वीडियो में हमने आपको बताया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, हमने लेफ्ट से देखकर राइट में बनाना सिखा दिया, हमने लेफ्ट से देखकर राइट में, हालांकि उसमें हमने राइट से देखा था लेफ्ट में बनाया था, तो ये चीज़ें आपको हमने सिखा दी है। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो यार लाइक मारो, शेयर मारो इस वीडियो को, और बता दूं कि नए होते हैं सब्सक्राइब मारो ना, ये फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन उस पर लगाओ, चाहे कुछ करो, लेकिन वो जो रेड वाली बटन हो क्लिक हो जानी चाहिए, तभी इसकी नेक्स्ट पार्ट मिलेगी, तभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की इतनी प्रैक्टिस करा देंगे ना कि इसमें अच्छे खासे अंक आपको मिलेंगे। और मैं बता दूं कि इसमें भाई देखिए बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन अच्छे मार्क्स बहुत कम ही लोग के आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल मार्किंग कर दी जाती है। अगर जिसको नहीं पता जनरल मार्किंग क्या होती है, मैं बता दूँ कि सबको एक समान मार्क्स मिल जाए, यानी जितने भी सब लोग फ्रेंड आपके रहेंगे सबको पास कर दिया जाए, या जो भी नंबर दिया जाए सबको एक समान मार्क्स, यानी 10 अगर सबको मान लो 20 नंबर का, तो इसका मैक्सिमम होता है उतने पर मिनिमम मार्क्स पास होने चाहिए, और अगर ज़्यादा आप करते हैं तो वहाँ पर सबको मान लो 22 23 24 22 23 24 ऐसे पूरे क्लास को आपको मिल जाएगा, तो यही दिक्कत होती है इसमें। तो बस बेसिकली यही था आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपको सीखना था, तो मैंने लेफ्ट साइड से बता दिया, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में सब कुछ बता दिया। एक वीडियो और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की दूंगा, जिसमें इसमें भी सिखा दूँ, उसमें भी सिखा दूंगा कि किस तरह से इधर से देखोगे तो यार इधर बनेगा, वो भी सीख जाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो आपका कौन सा रहेगा वो मैं उसको देख कर आपको बता देता हूँ, लाइन्स ऑफ प्रोजेक्शन शायद रहेगा।
उसके बाद आपको हाँ लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन आपका चालू हो जाएगा, फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन चालू होगा, नहीं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका चालू हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छा चीज़ होता है जो कि पेपर में आता है यार। बस वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट पार्ट में त्रिकोण जो हमारा तृतीय कोणीय प्रक्षेप होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।